Hey guys, this is Deepshikha Jha and welcome back to my YouTube channel. Today is Wednesday, so it will be about my life. My best friend wanted to eat some burger, so I thought ki why can't I just record it too. So today I am going to eat an Americano burger. ठीक है आज एक्चुअली हम लोग ना डेली आजकल वॉक पर जा रहे हैं तो हम लोग वॉक पर जाते हैं यू नो टू बी फिट बट एक नंबर का ये मिसकंसेप्शन है हमारे लिए बिकॉज हम जब भी जाते हैं वी गो टू 24/7 और वी गो टू समवेयर एंड वी बाय लॉट ऑफ स्टफ वी बाय चॉकलेट्स वी बाय बटर्स वी बाय लॉट ऑफ थिंग्स तो हमारी नज़र में ये आया तो हम आज ये ट्राई करना चाहते थे तो टुडे आई एम मेकिंग बर्गर ये कम्प्लीटली मेरा है अपना दिमाग यूज़ करके मैं कुछ चीज़ें बना रही हूँ इसकी फीलिंग्स एंड ऑल के लिए तो उससे पहले आई वॉन्ट टू शो यू कि वट थिंग्स आई हैव सो माई बंस आई हैव ऑल दी सॉसेस मेरा ना हमेशा से मन था कि सॉसेस को इकट्ठा करके रखने का जब हम सबवे जाते थे ना तो आई जस्ट ली लव दीज सॉसेस सो आई हैव ऑल दीज नॉट ऑल ऑफ देम बट आई डू हैव थाउजेंड आईलैंड साउथ वेस्ट मिंट मायो देन आई हैव दिस चिराचा चिली गार्लिक सॉस बिकॉज आई लाइक स्पाइसी थिंग्स देन आई हैव दिस सीजर सैलड ड्रेसिंग सॉस एंड आई हैव दिस अगेन एगलेस मायो एंड मैंने चॉप करके रखा हुआ है ऑनियंस टोमेटोज एंड आई हैव मैश्ड द पोटैटोज अभी इसकी मैं फिलिंग दिखाऊंगी कैसे करना है और इसको किस तरीके से बनाना है हम टिक्की बनाएंगे इसका तो बस मैंने इसे मैश करके रखा हुआ है इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है ठीक है एंड आई हैव चीज आई एम अ चीज लवर ठीक है तो मतलब समझ जाओ मुझे पिज्ज़ा मुझे कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है केक का शुरू करते हैं प्रिपरेशन सो इसमें मैंने अराउंड 5 बॉइल्ड पोटैटोज दिए हैं ठीक है तो अभी इसमें हम नमक डाल देंगे आप अपने हिसाब से डालिए मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ थोड़ा सा सो मैं इसमें कम डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च आई लाइक लाल मिर्च ठीक है और मैं इसको थोड़ा सा चटपटा बनाना चाहती हूँ तो आई विल पुट लिटिल बिट चिली गार्लिक सॉस ओके थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कि ये थोड़ा गिलाइश ना थोड़ा गीला ना हो जाए या एंड होल्ड आई विल गेट वन मोर इंग्रेडिएंट सो मैं मॉर्निंग में सैंडविच बनाई थी अपने लिए तो आई हैव दिस बेल पेपर्स मैंने आधा चॉप करके रखा हुआ था मैं इसको ना हमारे टिक्की में ऐड करूँगी इस क्योंकि सॉस भी है और बेल पेपर कैप्सिकम का टेस्ट आएगा ना तो उससे एक इन्हांस होता है और मुझे थोड़ा कैप्सिकम का टेस्ट भी अच्छा लगता है कट देम इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस ज़्यादा नहीं डालूँगी कि ये ओवर शैडो कर दे उसका द टेस्ट सो आई विल जस्ट लिटिल 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 इनको चॉप कर लिया है मैं इसमें डाल रही हूँ इनको जो थोड़े से फाइनली चॉप नहीं है उनको ढंग से थोड़ा और चॉप कर रही हूँ या मेरा ना मैं जब किचन में काम करती हूँ ना तो मेरी कुछ फेवरेट चीज़ें होती हैं लाइक यू नो फेवरेट नाइफ फेवरेट प्लेट तो मेरा फेवरेट नाइफ अभी गुम हो गया एंड इससे इतना ईजी नहीं है चॉप करना या उसको स्लाइस करना बट कोई बात नहीं मैं ये सोनू के लिए बना रही हूँ अपनी सिस्टर के लिए बना रही हूँ सो आई होप दे लाइक इट नहीं भी पसंद करेंगे तो इट्स देयर फॉल्ट तो अब हमने मैश पोटैटो डाल दिया इसमें हमने नमक डाल दिया थोड़े से हमने बेल पेपर्स और थोड़े से कैप्सिकम डाले अब मैं करकपन के लिए टिक्की करकपन के लिए मैं इसमें डालूँगी सूजी थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी आई थिंक दिस मच इज सफिशेंट कैन आई गेट अ स्पून स्पून तो अब मैं इनको कर रही हूँ मिक्स अच्छे से क्योंकि अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम काम करेंगे हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे तवे पे मेरी मम्मा कहती है कि सब्ज़ी या फिर चीज़ें ना लोहे के बर्तन में बनाना चाहिए आयरन क्योंकि आयरन मिलता है हमें उससे विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ थोड़ी और क्रिस्पीनेस के लिए हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लावर ठीक है ओके सफिशिएंट डन लेट्स जस्ट मैश फटाफट मिक्स कर देते हैं उनको अच्छे से लेट्स मिक्स इट वेल हम जिस प्लेट में रखेंगे बनाकर टिक्की तो उसमें पहले मैं थोड़ा ये डाल देती हूँ जिससे वो प्लेट पे चिपके ना यार दिल्ली में तो बहुत गर्मी है यू नो किचन में आती आई डोंट नो हाउ माय मदर वर्क्स बट आप 10 मिनट के लिए खड़े नहीं हो सकते इट्स लाइक वेरी वेरी हॉट
अभी मेरी हालत खराब हो रही है, तो अब हम बना रहे हैं टिक्की। मेरे ख्याल से बर्गर का साइज थोड़ा बड़ा है, तो लेट्स मेक अ बिग टिक्की। राइट, थिंक दिस साइज इज परफेक्ट। राइट कुमार? या तो हम इसको, एक हमारा बन गया है। सो अब मैं स्टार्ट कर टिक्की बनाना, होपफुली अच्छा बन जाए यार। मैंने इसमें थोड़े सॉसेस डाले हैं, तो उसे थोड़ा एक गीला हो गया है, तो यू हैव टू यूज लिटिल मोर कॉर्नफ्लावर। लेट्स पुट इट। तो मीनवाइल टिक्की बन रही है, मैं ना बर्गर के नीचे डालने के लिए ड्रेसिंग बना रही हूँ। हमने एक वीडियो बनाई थी बट बनी नहीं, तो आई एम जस्ट शोइंग यू अगेन कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। इसमें कैबेज है एंड दे आर द मायो, थाउजेंड आइलैंड साउथ एंड साउथ वेस्ट एंड तंदूरी मायो। सो हमको दिखा देती हूँ, दिस वन थाउजेंड आइलैंड साउथ वेस्ट तंदूरी सीजर ड्रेसिंग एंड आई पुट इट मिंट। डू यू लाइक मिंट सोनू? यू वांट टू पुट मिंट? देन मिंट। ठीक है, तब तक हम अपने टिक्की को देख लेते हैं एक बार। यार इसको, हाँ अभी ये थोड़ा और बनेगा, तब तक हम अपने ड्रेसिंग को मिला लेते हैं। तो दिख रहा है, दिस इज बन गया मेरा, इस तरीके से ड्रेसिंग बन चुका है, सैलेड ड्रेसिंग। होल्ड ऑन, लेट मी मेक टेस्ट इट। मुझे टेस्ट इट प्लीज बता कैसा है। नाइस, शी सेइंग गुड, इट्स गुड। तब तक हम टिक्की देखेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपका, यू कैन सी दैट, ये बिल्कुल नहीं चिपका तवे पे। एंड द स्टिक्की इज रेडी टू ईट। तो अभी हम इसको रखेंगे यहाँ पर, इट्स क्लीन, डोंट वरी। पहले हम बंस को गर्म कर देंगे। कभी भी कच्चा बन या ब्रेड नहीं खाना चाहिए। सो मैं इसको ऑयल ही डाल रही, ऐसी गर्म कर रही हूँ। वी हैव दिस बन। अब मैं इस पर जो मैंने सैलेड ड्रेसिंग बनाया है विद ओनली कैबेज, जस्ट रिमेंबर, एंड विद सॉसेस, मैं वो डाल रही हूँ उसके ऊपर पहले। तो अब इसके ऊपर आई विल पुट टोमेटोज, टू टोमेटोज, देन आई एम पुटिंग टिक्की ऑन इट। ओ हो, परफेक्ट साइज बनाया, जैसा बर्गर तो होता है। उसके ऊपर आई एम पुटिंग ऑनियंस, दो छोटे डाल देते हैं ना, दो छोटे। खीरे मेरे पास ख़त्म हो गए, वरना मैं वो भी डालती इस पर। और मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मिंट डाल दूंगी, हल्का सा, ओनली दिस मच। यस, ठीक है। इसमें तंदूरी भी डाल दूँ मैं? या हम डालते हैं थोड़ा ये, यार इसका अरोमा तो बहुत अच्छा आ रहा है, बाकी पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा। एंड नाउ माय फेवरेट पार्ट, चीज, पुटिंग इट ओवर एंड देन दिस एंड हियर इज माय बर्गर। बट अब हम क्या करेंगे, वी विल टॉस दिस इन द ओवन, और उसको हम ओनली 30 सेकेंड्स के लिए गर्म करेंगे। द रीज़न इज वाई, कि चीज़ हल्का सा मेल्ट हो जाए तो उसका ना एक अलग टेस्ट आएगा। सो लेट्स, हे गाइस, तो मैंने बना लिया है माई बर्गर्स। और अगर आपको ये वाला बन तो अगर आपको ये वाला बन नहीं मिलता है बाय एनी चांस, तो आप ब्रेड से भी बना सकते हैं विद द सेम स्टफिंग, द सेम टिक्की, लाइक दिस। तो आप अगर आपके पास इतने सारे सॉसेस भी नहीं है, डजेंट मैटर, यू कैन ऐड ओनली मायो, मायो इसमें बहुत टेस्ट होता है, बाकी इट्स अप टू यू। यो, yeah.
पहले अच्छा है लाइक द टिक्की लाइक द टिक्की सो गुड सच बोल सच में इट इज सो गुड आई डोंट पे चल अब शेयर करते हैं So today mine. you will end. Today you will end the video. So say my favorite lines. Okay, just let me munch it first. So guys, if you wanna try this amazing burger at your home. Nahi to you can just make the sandwiches. And please let us know. Do like, do subscribe, and do share.